अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद सौरभ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको ढेर सारी खुशियां दे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हैश ब्राउन की रेसिपी। बहुत मजे की बनती है, बहुत इजी रेसिपी है, कोरियन डिश है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। हैश ब्राउन बनाने के लिए मैंने लिए हैं आलू, 2 अदद आलू लिए हैं। आलू को मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है, इसको मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक आप अपनी हद पे ज़रूरत जितना आपने रखना है उतना रख सकती हैं। मैंने ये डाला है 1/2 टीस्पून नमक का, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मटेरियल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके हैश ब्राउन बनाना शुरू करते हैं। जितना हमने इसका लेना है मटेरियल उतना मटेरियल ले लेंगे इस हिसाब से, और इसको अच्छी तरह से सख्त हाथों से इस तरीके से इसका बाउल बना लेंगे। उसके बाद अब हम इसकी लंबाई करेंगे और इसकी शेप बनाना शुरू करेंगे। रफ सी शेप बस बनानी है आपने, बस इस तरीके से इसको बनाना है। ये बहुत मज़े के बनते हैं, जितने इसके आसानी से बन सकते हैं उतने हम बना लेते हैं। हैश ब्राउन तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। ब्राउन को हैश ब्राउन को फ्रीज़र में रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। मैंने इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। घी के मैंने 4 टेबलस्पून डाले हैं और ये इसके अंदर डालेंगे, आराम से इसके अंदर डालेंगे। लो फ्लेम पर हमने इसको, मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। जितने आपने बनाने हैं उतने आप बना लें, ये बहुत मज़े के बनते हैं। हैश ब्राउन जब एक साइड से हो जाए तो हम इसकी साइड को आराम से पलटते जाएंगे। जी व्यूअर्स, हैश ब्राउन तैयार हो चुके हैं। इसको हम आराम से निकालते जाएंगे किसी प्लेटर में। ये आप देख सकती हैं, इसी तरह से हमने इसको तैयार करना था। इसका घी अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और इसको आराम से निकालते जाएंगे। हैश ब्राउन तैयार हो चुके हैं, बहुत मज़े के बने हैं। इसको बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें या खुद घर में बनाकर शाम को चाय के साथ खाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। जी व्यूअर्स, हैश ब्राउन की रेसिपी आपने देखी है, कितनी ज़बरदस्त ये बनती है। इसको बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें, खुद शाम को चाय के साथ इसको आप खाएं, बहुत मज़े के ये बनते हैं। इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। मेरी वीडियो को देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन का बटन दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें। ओके, फिर मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।